सबसे पहले बात करते हैं स्कूलों की, शैक्षणिक संस्थानों की। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो राज्य सरकारें हैं वो अपना अपना प्लान बना रही हैं। लेकिन जब कभी भी स्कूल खुलेंगे, शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे, किस तरह से सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए? देखिए, जैसे जैसे परिस्थितियाँ दिखेंगी और जहाँ तक स्कूलों को खोलने का विषय है, राज्यों के साथ लगातार परामर्श करके और गृह विभाग के साथ परामर्श करके और स्वास्थ्य विभाग का जो निर्देश है उसका पालन करके हम लोग आगे इसको जब भी खोलेंगे इन दोनों तीनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और अभी कोई निश्चित तिथि तय हुई है ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी सब परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन ये अपेक्षा कर रहे हैं कि ये 30 अगस्त तक जो नए प्रवेश हैं वो जरूर हो जाएं और फिर अगस्त के बाद सितंबर में कक्षाएं विधिवत शुरू हो सकें, ऐसे सोचते हैं। आगे वो तो गृह मंत्रालय फिर निर्देश देगा और स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श से हम लोग स्कूल खोल सकेंगे। लेकिन सर, एक बड़ा मुद्दा जो अभिभावकों का है कि सत्र शुरू होने से पहले ही जो स्कूल हैं उन्होंने नई एडमिशन फीस की मांग सामने रख दी है, किस तरह से इसका रेजोल्यूशन निकालेगी सरकार और आपका मंत्रालय? देखिए, अभिभावकों की शिकायत जो है वो राज्यों के साथ थोड़ा सा जोड़ करके मैं लगातार ये कहा है कि जहाँ तक शुल्क का सवाल है और जो फीस लेने का वो है, वो राज्यों पर ही निर्भर करते हैं, राज्यों का भी विषय है। इसलिए मैंने लगातार, जब पीछे के दिनों में भी हुआ, एक तो अध्यापक बोलते थे कि उनको वेतन नहीं मिल रहा है, तो प्रबंधन कहते थे कि उनका शुल्क नहीं आ रहा है, उधर विभाग कहते थे कि पढ़ाई तो हो नहीं रही है तो फिर किस बात का शुल्क है। तो इन तीनों में कैसे समन्वय में हो सके, राज्य सरकारों को थोड़ा सा आगे आकर के और इस जो बाधा है इसको दूर करना चाहिए, ऐसे मैंने सभी शिक्षा मंत्रियों से निवेदन किया है। सर, एक बात और देखिए, हमने कोविड के ज़माने में कि जगह जगह ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, ये कितनी सहायक साबित हो रही हैं बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में? देखिए, ऑनलाइन लर्निंग हमारी व्यवस्था है कि हमको ऑनलाइन पर आना पड़ा और हम सोच भी नहीं सकते, दुनिया में किसको पता था कि ऐसा हो जाएगा, ना दुनिया को पता था, ना देश को पता था, ना अभिभावक को पता था, ना छात्र को, ना हमको। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ आई और ऐसी परिस्थितियाँ आई कि लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, उनकी सुरक्षा का विषय था। और ऐसी स्थिति में एक सप्ताह हो, दो सप्ताह हो, लेकिन महीने हो, डेढ़ महीने हो, दो महीने हो और उससे ज़्यादा अवधि का हो, तो फिर वो जो छात्र जिसको गतिशील रहता है, जो उसको यदि हम ऑनलाइन पर नहीं लाते तो क्या स्थिति पैदा होती, आप समझ सकते इस बात को। और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि इस देश का, आप तो जानते हैं, 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं यहाँ और 45,000-50,000 डिग्री कॉलेज हैं, 15 लाख से अधिक स्कूल हैं, 1,09,00,000 से अधिक अध्यापक हैं और कई देशों की कुल जितनी जनसंख्या नहीं होगी उतना 33 करोड़ से अधिक हमारे छात्र छात्राएं हैं। अभी इनकी सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी हमारी कि उनकी सुरक्षा हो, तो उनको घर ही पर वो विक्षुब्ध ना हो, वो कठिनाइयों में न जाएं, वो उनका मनोबल न गिरे, वो अवसाद में जाने की स्थिति में ना आए, अभिभावक परेशान ना हो, इसलिए हम ऑनलाइन पर लाए कि ऑनलाइन अध्यापक और अभिभावक दोनों मिलकर के अपने बच्चे को अध्ययन करवाएंगे, ऐसा हम लोगों ने सोचा, विचार किया और उसी आधार पर हम लोग ऑनलाइन पाठ्यक्रम को लाए। मुझे खुशी है कि काफ़ी कुछ कवर किया है, काफ़ी कुछ अभी कवर करना है, क्योंकि हमारा टारगेट अंतिम छात्र तक पहुंचने का है, लेकिन ऑनलाइन तो हमारी व्यवस्था है।